हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृतिका शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी के मैसेज पे। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं हेल्दी ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग रेसिपीज जो बहुत कलरफुल हैं, जो बहुत न्यूट्रिशियस हैं। प्रेगनेंसी के बाद शरीर में बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है। जो हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं, वही हार्मोन्स प्रेगनेंसी के बाद शरीर के बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम वेट अटका हुआ है या प्रेगनेंसी के बाद आपका वेट लूज नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी पांच चीजें जिससे आपका वेट लूज बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हल्दी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की चर्बी को हटाते हैं। नंबर दो पे है मेथी दाना जो भूख को कम करते हैं और आपकी तृप्ति बढ़ाते हैं। तीन पे है सौंफ। सौंफ के बीज जो फाइबर का समृद्ध स्रोत है जिससे आपकी कैलोरी की खपत कम होगी, आपको भूख भी लगने नहीं देगा। नंबर फोर पे है अदरक, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और पांचवें नंबर पे है नींबू जो आपका वेट कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह के बजे हैं 5 और मैं रेडी हूँ अपनी वॉक के लिए। तो चलो 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 जल्दी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलो। वॉक पर जाने के लिए मैं अपने साथ कैरी करती हूँ कॉपर की वाटर बॉटल जिसका पानी मैं एक रात पहले ही स्टोर करके रखती हूँ। सुबह उठने के बाद खाली पेट तांबे के बर्तन से पानी पीना बहुत लाभदायक होता है। ये आपके पेट को तो साफ करता है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी दूर करता है। तो आज रात से ही भरे तांबे के बर्तन में पानी और इसके बेनिफिट्स से अपने आप को हेल्दी रखें। एक चीज़ का ध्यान रखें, तांबे का बर्तन रखने के लिए रात को आप हमेशा लकड़ी की सतह यूज़ करें। तो चलो अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। वैसे हमारे यहाँ लिफ्ट है पर मैं स्टेयरकेस प्रेफर करूँगी। वैसे तो हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं बट फिर बेकर मैं सेकंड या थर्ड पे भी रहती तो भी मैं स्टेयरकेस ही प्रेफर करती। आपको पता है स्टेयरकेस पे चढ़ना उतरना भी एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है जो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। तो हम पहुँच चुके हैं बाहर और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वॉक। वैसे अभी काफ़ी अंधेरा है। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आप कब से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे मुझे जल्दी बताइए। तो चलो मैं फटाफट राउंड लगाती हूँ फिर मिलते हैं। बाय। क्या 5 चक्कर पूरे, मैं अभी 2 चक्कर और लगाऊंगी। आई फील सो फ्रेश। मैं जब भी वर्कआउट करती हूँ मैं इतना ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली वर्कआउट करें, सुबह अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा जल्दी उठें। अगर आप 5 बजे उठती हो तो मैं बोलूँगी 4 बजे उठें। फिर 4 बजे उठते हो तो 3 बजे नहीं उठना है, बट फिर भी अपने लिए टाइम निकालें, बहुत अच्छा लगेगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स हो गए हैं जिसके लिए मैं केमिकल्स यूज़ करना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। तो मैंने देखा ये नीम का पेड़ और आज मैं लेने वाली हूँ इस नीम को और मैं घर पे जाके मॉर्निंग ड्रिंक में पीऊँगी नीम का जूस। जी मिल चुकी है फ्रेश नीम और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी इस नीम का कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने पिंपल्स के लिए, शरीर को गर्मी से दूर भगाने के लिए आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो इस नीम का यूज़ करके। मॉर्निंग वॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जाने वाली हूँ ऊपर बच्चों के पास। मदर ड्यूटी वाइफ ड्यूटी स्टार्ट। और उससे पहले मैं पीऊँगी अपनी कॉपर बॉटल से सारा पानी, धीरे धीरे सारा पानी फिनिश करूँगी और उसके बाद आपको मिलूँगी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। घर जब आई तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए, नीम का जूस बना लिया जाए। एक इंसान के पीने के लिए 10 से 12 नीम की पत्तियां एनफ हैं और मैं बनाने वाली हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने नीम की पत्तियों को नीम की डंडी से अलग कर लिया है। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से धो लें क्योंकि नीम की पत्तियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए आप इसे अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करें। अब धुली हुई नीम को एक एक करके ब्लेंडर जार में डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ब्लेंड करें और आपको मिल जाएगा एक ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा जूस। बस फिर इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें और आपको मिल जाएगा ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस ग्रीन जूस। मैंने इस जूस को सर्व करने के लिए चूज किए हैं प्यारे से शॉट ग्लासेस। बस अब ये शॉट ग्लास रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो चलो हस्बैंड को बुलाती हूँ। आई एम स्केयर्ड कि वो पियेंगे भी कि नहीं। फाइनली शर्मा जी तो रेडी हो गए हैं इस जूस को लेने के लिए बट आई एम वेरी एक्साइटेड उनके एक्सप्रेशंस को देखने के लिए। तो चलो देखते हैं इनके एक्सप्रेशंस। मेरे हस्बैंड इसे बिल्कुल पीना नहीं चाहते थे पर मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि आपके लिए बहुत अच्छा है तो उन्होंने मेरी बात मान ली। पर लिटरली मैं उनके एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा डर गई, मेरी पीने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
क्या हो गया ज़िंदगी में, कितनी कड़वी चीज़ें डाइजेस्ट की हैं, तो ये तो फिर भी कड़वी चीज़ आपको हेल्पफुल ही रहेगा। ऐसे मुझे अपने हस्बैंड के रिएक्शन के बाद ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बचपन में पीती थी मैं, मेरी मम्मी पिलाती थी, वो मुझे याद है। बहुत रो के चिल्ला के मम्मी पीछे पीछे भागती थी तो मैं पीती थी। बट द गुड पार्ट इज़ मुझे कभी पिंपल्स नहीं होते थे। मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग गए हैं और मुझे लगता है कि यही रामबाण अब काम आ सकता है, बिकॉज मैं बिल्कुल केमिकल्स में बिलीव नहीं करती कि मैं कुछ भी ऐसी क्रीम लगाऊं एक्ने पिंपल्स के लिए जो मुझे बेनिफिट्स कम दे और डिसएडवांटेज ज़्यादा हों। तो चेयर्स टू यू एकाना जी। चलो ओके स्टार्ट करो ना, मैं डर रही हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ इस जूस के बारे में, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ठीक है। मैं इस मामले, मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह बहुत स्ट्रांग हैं। मैं अपने आप को इस मामले में स्ट्रांग मानती हूँ कि जब मुझे खाने पीने की चीज़ मुझे पता है कोई चीज़ मुझे बेनिफिट कर रही है तो मैं उसको ले लेती हूँ। आई नो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा है, एक्सट्रीम कड़वा है, बट ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो चैत्र महीना होता है अप्रैल टू मई, ये बेस्ट होता है नीम कंज्यूम करने के लिए। सिर्फ आपको 7 से 8 दिन इस नीम का यूज़ करना है। इस नीम का जूस आप लगातार करें 7 से 10 दिन के लिए। इसके बाद अगर आप इस जूस को पीते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। एक तो ये जूस आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपके जितने भी फेस के पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगा। आपको पता है कि चैत्र मास की जो नीम होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आप पूरे साल कभी भी नीम तोड़ के नहीं पी सकते, वो नीम आपको नुकसान करेगी। सिर्फ इसी महीने में आप, अप्रैल टू मई, इसी महीने में आप नीम का सेवन करें, नीम का जूस पिएं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, लगातार 7 दिन पिएं या 1 दिन छोड़ के 7 दिन पिएं, उसके बाद आप इस जूस को नहीं पिएंगे। ये जूस बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। पूरे साल में सिर्फ 7 दिन, चाहे डेली करो चाहे अल्टरनेट डे करो, 7 डेज, और 7 डेज पूरे साल में एनफ है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। मैंने जितने वीरवार के व्रत चुके थे, आज मेरे वो वीरवार के व्रत पूरे हो चुके हैं और आज मैंने किया अपनी बेटी के साथ इसका उद्यापन। आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मैंगो कोकोनट मिल्क शेक, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट समर ड्रिंक है। बस एक बर्तन में चॉप मैंगो डालें और उस पर डालें दूध। मैंने लिया कोकोनट मिल्क, आप एनिमल मिल्क भी ले सकते हो, कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हो, और बस उसको ब्लेंड कर दें और आपको मिल जाएगा एक क्विक और डिलीशियस मैंगो शेक। मैंने टेक्सचर ऐड करने के लिए इसमें ऐड किए हैं चॉप्ड आलमंड्स, चॉप्ड डेट्स, और ऊपर से थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर दो। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल के डेकोरेट करें, एंजॉय करें ये कोकोनट मिल्क मैंगो शेक। ये मैंगो शेक आपको दोपहर तक बिल्कुल फिलिंग रखेगा, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगने देगा। दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और मैंने अपने सैलेड के लिए सारी सब्जियों को इकट्ठा कर लिया है और फटाफट मैंने सारी सब्जियों को पील करना, चॉप करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने सैलेड में जाने वाली सारी सब्जियों को पतला पतला चॉप कर लिया है। ड्रेसिंग के लिए नींबू को कट कर लिया है और टेक्सचर के लिए अनार के दानों को निकाल लिया है। अब मैं रेडी हूँ अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मैंने लिया रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ छोले, उसमें मैंने डाले बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स। अब मैं ऐड कर रही हूँ अनार के दाने। अब हमने जितनी वेजिटेबल्स को चॉप किया था उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दें। सैलेड की ड्रेसिंग बनाने के लिए एक बाउल में लें नींबू का जूस, उसमें स्वाद अनुसार डालें पिंक हिमालयन सॉल्ट। स्वीटनेस के लिए ऐड करें 1 चम्मच शहद और उसे अच्छे से मिक्स कर दें और इस ड्रेसिंग को सैलेड बाउल में अच्छे से मिला दें। ऊपर से टेक्सचर के लिए ऐड करें रोस्टेड नट्स, से अच्छे से मिक्स करें और ऊपर से चीज़ डालकर सर्व करें। ये एक बैलेंस्ड डाइट है, प्रोटीन फाइबर सब कुछ मिला के। तो चलो जल्दी से मैं एक कलरफुल लंच को ख़त्म करती हूँ और आपको मैं मिलूंगी इवनिंग ड्रिंक के टाइम, तो मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। शाम हो चुकी है और आज मैं पीने वाली हूँ ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी टी। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये बहुत आपको रिफ्रेशिंग फील करेगी और आपको बहुत सूदिंग फील कराएगी। डिनर में मुझे ज़्यादा भूख नहीं है आज, तो मैंने लिया है सिर्फ ये गोल्डन मिल्क। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 ग्लास दूध, 1/2 ग्लास पानी। डाले मैंने कुछ स्पाइसेस जैसे रॉ हल्दी, थोड़ी सी सिनेमन और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसे मिक्स कर दें।
इस दूध में आ चुका उबाला, बस अब इसे ग्लासवेयर में शिफ्ट कर लें। आप इसमें ऊपर से शहद ड्रिजल कर सकते हो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा निकलती है तो आप इस दूध का सेवन मत करें, अगर आपको सूट करता है तभी इसे लें। और आज तो मैं नाइट ड्रिंक में पीने वाली हूँ सिर्फ एक ग्लास गर्म पानी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।